साथियों, आज हम दर्शन करने के लिए चल रहे हैं मोहनखड़ा जैन तीर्थ। एक ऐसा तीर्थ जो कि जैन समाज में आज देश के प्रमुख जैन तीर्थों में इसकी गणना की जाती है। मध्य प्रदेश के धार जिले की सुधारपुर तहसील नगर राजगढ़ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह तीर्थ देव गुरु व धर्म की त्रिवेणी है। श्री मोहनखड़ा तीर्थ की स्थापना स्मरणीय विश्व पूज्य दादा गुरुदेव श्री मधुविजय राय सुरेश महाराज साहब की दिव्य दृष्टि का परिणाम है। आषाढ़वदी 10 दिसंबर 1925 में कृद्वार करने व यति परंपरा को संवेग की धारा में रूपांतरित कर श्रीमद देश के विभिन्न भागों में विचरण व चातुर्मास कर जैन की धर्म की प्रावना कर रहे थे। ये स्वाभाविकता की मालव भूमि भी उनकी चरण रज से पवित्र हो। पूज्य वर्ष संवत 1928 व 1934 में राजगढ़ नगर में चातुर्मास कर चुके थे तथा इस क्षेत्र में श्रावकों ने उनके प्रति असीम श्रद्धा व समर्पण का भाव था। संवत 1938 में निकट ही अलीराजपुर में अपने चातुर्मास किया तथा पश्चात राजगढ़ में पदार्पण हुआ। राजगढ़ के निकट ही बंजारों की छोटी अस्थायी बस्ती थी खेड़ा, श्री मत का विहार ये क्षेत्र में हो रहा था। सहसा यहाँ उनको कुछ अनुभूति हुई और अपने दिव्य ध्यान से देखा कि यहाँ भविष्य में विशाल तीर्थ की संरचना होने वाली है। राजगढ़ आकर गुरुदेव ने सुशावक श्री रुणाजी पोलवाल से कहा कि आप सुबह उठकर खेड़ा जावें, वे घाटी पर जहाँ कुमकुम का स्वस्तिक दिखे वहाँ निशान बना हो, उस स्थान पर तुमको एक मंदिर का निर्माण करना है। परम गुरु भक्त श्री रुणाजी ने गुरुदेव का आदेश का चिरधार्य किया। वहाँ गुरुदेव की कथा अनुसार स्वस्तिक देखा। श्री रुणाजी ने पंच परमेष्ठी परमात्मा का नाम स्मरण करके और वहां पर भविष्य में एक मोहन तीर्थ के निर्माण की भूमिका को स्थापित कर दिया। मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ वह शीघ्र ही पूर्ण भी हो गया। संवत 1939 में पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास निकट ही कुक्षी में तथा संवत 1940 में राजगढ़ नगर में रहा था। श्री गुरुदेव ने विक्रम संवत 1940 की मृग विशेष शुक्ला संवतनी के शुभ दिन मूल नायक ऋषभ देव भगवान आदि काली जिन बिंबों की अंजनशाला का की मंदिर में मूल नायक जी अन्य बिंबों की प्रतिष्ठा की। इस प्रतिष्ठा के समय पूज्य गुरुदेव ने घोषणा की थी कि यह तीर्थ भविष्य में विशाल रूप धारण करेगा, इसे मोहनखड़ा के नाम से ही पुकारा जाएगा। और आज पूर्ण जैन समाज पूरा विश्व इसको मोहनखड़ा के रूप में जानता है। आज गुरु सचिन के दिन यहाँ पर हम लोग लाइटिंग की व्यवस्था को देख रहे हैं, एक मनोरम दृश्य देख रहे हैं। एक ऐसा तीर्थ है यहाँ श्रद्धालु आकर के अपना शीश झुकाते हैं एवं आने वाले हर भक्त को बीमारियों से और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होती है और दादा गुरुदेव का प्रभु का एक असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार निर्माण के पश्चात 1991 में हुआ था और 28 वर्ष पश्चात यतीन्द्र सुरेश्वरी महाराज साहब के उपदेश से प्रथम जीर्णोद्धार प्रारंभ हुआ। ऐसा एक महान तीर्थ जिसका कि जैन समाज में बहुत ही अलौकिक और दिव्य स्थान है। आइए अब इसके साथ ही और भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस तीर्थ के बारे में। सादा जय जिनेन्द्र, आज हम लोग खड़े हैं मोहनखड़ा जैन महातीर्थ पर। एक ऐसा तीर्थ है जिसकी विश्व में अपनी पहचान है और जैन समाज में इस धर्म स्थल का अपना एक विशेष महत्व है। सप्तमी के दिन यहाँ पर एक माहौल होता है, देखने को मिलेगा आप लोगों को। यहाँ कई सारे लाखों भक्तों का यहाँ आगमन होता है। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं बहुत ही दर्शनीय होती हैं। यहाँ पर नाश्ते की सुविधा, भोजन की व्यवस्था भी जैन समाज के द्वारा फ्री रखी जाती है और यहाँ के मंदिर का सौंदर्यकरण और यहाँ की आरती महाआरती होती है। लाखों श्रद्धालु यहाँ के भाग लेते हैं। हम पूरा आपको दिखाने का कोशिश करेंगे कि किस प्रकार श्रद्धालुओं का एक यहाँ भीड़ किस प्रकार उमड़ रही है और किस प्रकार से अंदर का पूरा सौंदर्यकरण है और भगवान को अंगी किस प्रकार की गई है और क्या की व्यवस्था है, क्या की सुविधा है। हम चलेंगे अंदर और देखने की कोशिश करेंगे यहाँ मंदिर का पूरी व्यवस्था को और सौंदर्यकरण को और भगवान के दर्शन करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं अंदर की तरफ। गुरु सप्तमी के पावन दिन देश देश से दर्शन पूजन हेतु भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। पूजनीय श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की 196वीं जन्मतिथि एवं 116वीं पुण्यतिथि मोहनखड़ा तीर्थ पर आज हम मौजूद हैं। यहाँ गुरुदेव के दर्शन हेतु 2 दिन पूर्व ही भक्तों का सैलाब आना शुरू हो जाता है, जो कि 4 दिन तक यहाँ पर रह करके गुरु सप्तमी का आनंद लेते हैं। यहाँ 4 दिनों तक एक मेले जैसा माहौल बना रहता है। यहाँ विश्व में 2 ही स्वर्ण मंदिर हैं, एक अमृतसर में और दूसरा गुरुदेव मंदिर। यहाँ
भक्त बताते हैं कि शाम के आरती के समय चमत्कारी रूप से केसर की वर्षा होती है, जिसे भक्तों ने स्वयं यहाँ पर साक्षात्कार किया है। एक ये ऐसा मोहनखड़ा का जैन तीर्थ मंदिर है जो कि विश्व में अपनी अलग ही पहचान रखता है और यहाँ के चमत्कार दिन प्रतिदिन भक्तों में अपनी आस्था को बढ़ाते जा रहे हैं। अतः ये मंदिर वाकई में ही बहुत ही दर्शनीय और पूजनीय है। यहाँ पर इंदौर से भी और देश विदेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, गुजरात से कई भक्त आते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। यहाँ की लाइटिंग और इस मंदिर को पूरी तरीके से मार्बल से बनाया गया है और इसकी आप अगर देखेंगे तो जो कारीगरी की गई है बहुत ही सुंदर कारीगरी है। हर तरफ देखेंगे तो उस पर पुष्पों के, हाथी के काफ़ी अच्छे सुंदर तरीके से निर्माण किया गया है। आप इसको मार्बल की कृतियों में आप हाथी, मोर, कई सारे सुंदर कृतियों का हम दर्शन कर सकते हैं। लगभग मिला के कह सकते हैं कि जैन मंदिर जिस मूल स्वरूप बनते हैं और जो खूबसूरती उनकी होती है, वो वाकई में इस मंदिर को देख करके आपको यहाँ पर आने की बावर इच्छा करेगी। बहुत ही एक दार्शनिक स्थल है और अपने आप में अध्यात्म का, जैन समाज का बहुत बड़ा केंद्र है। जैसे कि हम देखते हैं कि जिस प्रकार से मंदिर का निर्माण किया गया है उसे बहुत सुंदर तरीके से मार्बल के मोर की आकृति, हाथियों की आकृति को बहुत सुंदर तरीके से इस पर उकेरा गया है। इसकी जो कला है, जिस प्रकार से इस पर उकेरा गया है, ये देखते ही बनता है और एक एक चीज़ को जालियों में और बहुत सुंदर तरीके से इस मंदिर में पूरी तरह से इसका निर्माण किया गया है और झरोके दिए गए हैं वो पूरे मार्बल के हैं और बहुत ही सुंदर कलाकृति यहाँ को देखने को मिलती है। जैन मंदिर, जैन समाज पूरे विश्व में जो अपनी अलग पहचान रखता है, जिसकी अपनी विशेषताएं हैं, उसका साक्षात प्रमाण हमें मोहनखड़ा तीर्थ में भी देखने को मिलता है। यहाँ आप देखेंगे मंदिरों का जिसका निर्माण किया गया है, मार्बल पे जिस प्रकार से आकृति उकेरा गया है, एक बहुत ही दार्शनिक, एक बहुत ही मन को लुभाने वाला और यहाँ की कलाकृति देखते से ही आप आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते हैं कि किस प्रकार से पिल्लरों के ऊपर वर्क किया गया है। आप देख सकते हैं कि इन पिल्लरों के ऊपर फूल का, पत्तियों का और हाथियों का, मोरों का, इस सुंदर कलाकृति के साथ कलाकारों ने इसमें जान डाली है कि आनल भक्तों का अपने आप ही एक मन मोह लेता है। आप नीचे अगर देखेंगे जो मंदिर का प्रारंभ है, सीढ़ियों के पास में मार्बल से किस प्रकार से हाथियों को बनाया गया है, चित्रण किया गया है, जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है और मन को मोहने वाला है। साथ ही मंदिर के आप देखेंगे चारों तरफ में पीले पत्थर से हाथियों का निर्माण किया गया है जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। जैन मंदिर की विशेषताएं हैं जो कि पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखती हैं, अपनी विशेषता रखती हैं, उसके पीछे यहाँ की शांति, जैन समाज के अपने असूल, अपने नियम और साथ में ही जैन मंदिरों की एक अलग कलाकृति, अलग बनावट। एक जैन मंदिरों में विशेष देखने को मिलता है, यह केसर की खुशबू हर एक मंदिर में देखने को एक सूंघी जाती है, एक केसर पूरे माहौल को महका देती है, वही माहौल यहाँ पर भी हमें महसूस होने को मिलता है और हर पल एक केसर की सुगंध यहाँ पर हमें आकर्षित करती है। अब यहाँ पर देखें आप कि मंदिर के निर्माण में कितनी मेहनत और कारीगरों ने कितनी अपने दिल से इस मंदिर को बनाया होगा। जो हाथी यहाँ पर बनाए गए हैं वाकई बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक मंदिर की शोभा को बढ़ा रहे हैं और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इन मंदिर के ऊपर जो पिल्लर बनाए गए हैं उन पिल्लर की खूबसूरती, ये नीचे हाथी बनाए हुए हैं, उसके ऊपर में मोर के दर्शन होते हैं, उसके ऊपर नर्तकियाँ बनाई हुई हैं, ये फिर पर मोर बनाए हुए हैं, इस प्रकार से यहाँ पर योगिनियाँ और हाथी जो कि जैन समाज के साथ साथ में सनातन धर्म के जो चिन्ह हैं उन्हें पूरी तरीके से इन पत्थरों पर, मार्बल पर उकेरा गया है, बनाया गया है।
और यहाँ आप देखें कि मंदिर में जो जैन मंदिर की विशेषताएँ हैं, एक पहचान है, उसका पूरा पूरा यह हमको दर्शन होने को मिलता है। आचार्य श्री रविंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब का यहाँ प्रतिमा स्थापित है। और यहाँ मंदिर का आप देखें तो मार्बल की जिस प्रकार से कलाकारी की हुई है, एक ये जैन मंदिर की पहचान है कि इस प्रकार के मंदिरों का, इस प्रकार कलाकारी का जो एक सुंदर दृश्य है, सिर्फ और सिर्फ जैन मंदिरों में ही हमको देखने को मिलता है। हर जैन मंदिर अपने एक अलग आकर्षण, एक अलग कलाकृति का यहाँ अनिल भक्तों का दर्शनार्थियों को जो एहसास दिलाता है, वो यहाँ पर भी हमें मोहनखेड़ा तीर्थ में देखने को भव्य रूप मिलता है। यहाँ के जो पिल्लों का निर्माण किया गया है, पिल्लरों का आप देखेंगे तो ये जो कलाकृतियाँ हैं अपने आप में ही दर्शकों को उलभाने लायक है। और यहाँ लगता है कि किस कितनी मेहनत और कितनी श्रद्धा से इन मंदिरों का निर्माण किया जाता होगा। आने वाले समय के लिए, वर्तमान समय के लिए जैन मंदिर के ये मंदिर अपने आप में एक संस्कृति की पहचान हैं और सदैव रहेंगे। जो कि भक्तगण भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए आतुर हैं और श्रद्धा से लाइन में खड़े हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप किस प्रकार भक्तों की पूजन के लिए यहाँ पर कतार लगी हुई है। यहाँ पर महिला पुरुष दोनों की कतारें बहुत लंबी लंबी लगती हैं। आज के दिन भगवान का पूजन करने के लिए भक्तों को 2 से 2.5 घंटे तक का इंतजार करना पड़ता है। गुरु सप्तमी पर मोहनखेड़ा में भक्तों हेतु निःशुल्क भोजन व्यवस्था एवं नाश्ते का आयोजन रखा जाता है। जैन समाज के साथ ही समीप के 5 गांवों का ये भोजन निःशुल्क रहता है, जिसकी पूरी व्यवस्था जैन समाज के द्वारा की जाती है। एक ऐसी व्यवस्था है जो पूरे विश्व में इस तीर्थ को, जैन समाज को अलग पहचान देती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अलग तरह के व्यंजन, पकवान और नाश्ते में कई सारी चीज़ों का, एक पूर्ण व्यवस्था का, पूर्ण शुद्ध घी से बना हुआ देशी खाने का स्वाद यहाँ पर भक्तों को परोसा जाता है। आज इस जैन समाज की इस भोजनशाला का विस्तारित रूप है। यहाँ कहीं सैकड़ों भक्त एक साथ भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर थाली में कोई उठाना छोड़े, इसकी भी जैन समाज के द्वारा अपने वॉलंटियर से व्यवस्था की जाती है। डस्टबिन में प्लेट रखने के पूर्व यहाँ के वॉलंटियर्स उस प्लेट को देखते हैं और उसके पश्चात ही यहाँ पर भोजन ग्रहण करने वाले, प्रसाद ग्रहण करने वाले उस थाली को डस्टबिन में रख सकते हैं। एक ऐसा जैन मंदिर जिसकी पहचान अलौकिक है और दिव्य है। मोहनखेड़ा तीर्थ स्थान जितनी विशेषताएं इसमें समाई हुई हैं, उसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक रायन सूरी नेपाजी लखनमल चिकित्सालय भी यहाँ बना हुआ है, जो कि कई सारी सुविधाएं यहाँ पर देता है। हॉस्पिटल की आपको आधुनिक वातावरण का ऑपरेशन थिएटर है, शल्य चिकित्सा है, प्रसूति सुविधा है, एक्सरे सुविधा है, फिजियोथेरेपी है, लेबोरेटरी सुविधा है, ऑपरेशन की सुविधा है, एम्बुलेंस की सुविधा है, मेडिकल स्टोर है और साथ में ही यहाँ जो मरीज आते हैं उनके लिए भोजन की सुविधा निःशुल्क है और यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी है और काफ़ी कम लागत में, काफ़ी कम खर्च में यहाँ पर मरीज स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जैन समाज के द्वारा रायन सूरी जी दादा गुरुदेव की कृपा से एक चलाई गई बहुत उत्तम और उत्कृष्ट सेवा है। मोहनखेड़ा तीर्थ पर जितना दर्शन का लाभ भक्त प्राप्त करते हैं, उसके साथ साथ में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं और साथ ही देखेंगे बहुत बड़ी गौशाला का भी निर्माण किया गया है, जहां पर कई सारी गौ माताओं की सेवा की जाती है। आइए देखते हैं कि अंदर गौशाला का निर्माण, उनकी सुविधाएँ किस प्रकार से की जा रही हैं। पर एक गौशाला का निर्माण किया गया है जहाँ पर गौ माताओं के साथ में ही अन्य पक्षियों को भी यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर आप पक्षियों को दाना दे सकते हैं, साथ ही गौ माताओं खली चारा भी आप दे करके यहाँ पर सेवा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज इस गौशाला में जितनी गायें हैं उसमें चंद गायें हैं जो कि दूध प्रदान करती हैं, बाकी गायों का सिर्फ यहाँ पर सेवा भाव किया जा रहा है। एक ऐसी व्यवस्था है जो कि यहाँ पर आकर के भक्तों को हर प्रकार से शांति प्रदान करती है। मैंने हर वीडियो में प्रयास किया है कि मैं आप लोगों के लिए नए नए दिव्य दर्शन लाता रहूं और आप लोगों की जागरूकता और दिव्यता को घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मेरा प्रयास है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग घर बैठे ही देखते रहें और पाते रहें। आपकी प्रेरणा ही लाइक और सब्सक्राइब के रूप में मेरा आशीर्वाद होगी। तो कृपया मुझे आशीर्वाद प्रदान करते हुए लाइक सब्सक्राइब और शेयर चैनल को अवश्य करें। आज जिस प्रकार का हम आस्था